इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डॉज एलन मस्क के बारे में, और क्या ये कॉइन 2022 का कॉइन है, और कब ये 1 रुपए जाएगा, और क्या इसके प्रोजेक्ट है, क्यों इसे बनाया गया है, हर एक चीज पे बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में स्टे ट्यून। हेलो दोस्तों, मैं आपका शिवम सिंह स्वागत करता हूं हमारे चैनल, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं डॉज एलन मस्क कॉइन के बारे में, जो कि निकला है 2021 चौथे महीने में, और इस कॉइन ने काफी जल्दी बड़ा ग्रोथ दिखाया है। बड़े से मेरा मतलब है काफी ज्यादा बड़ा ग्रोथ दिखाया है। तो आज हम लोग इस कॉइन के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा 2022 में, क्या इसका रेशियो हो सकता है, कितना ये बुलिश कर सकता है मार्केट में, और कितने होल्डर्स इसने गेन किए, हर चीज को लेकर। तो पॉइंट वाइज बात करते हैं और चलते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ। सबसे जो पहला कारण है इस कॉइन के ऊपर लोगों का ध्यान खींचने का, कि ये कॉइन बंप कर रहा है और इसके ऊपर काफी सारे वेल्स अट्रैक्ट हो रहे हैं टाइम टू टाइम। तो ऐसे कॉइन में सबसे पहले जो ध्यान जाता है वो जाता है डेवलपर्स का। जब कॉइन पंप करने लगता है, मजाक में बनाया या फिर कोई छोटे मोटे मन से भी रखा हुआ या फिर बहुत ज्यादा हार्डवर्क करके कॉइन को सक्सेस नहीं होता है, तो बड़ा इंसान भी डिमोटिवेट होता है। जब बनाने के बाद कॉइन जो है ऊपर निकलने लगे तो डेवलपर्स भी हरकत में आ जाते हैं, और जब डेवलपर्स हरकत में आते हैं तो इसका मतलब कॉइन पंप करने के चांसेस बढ़ते हैं। सबसे जो मेन बात अगर मैं कर लूं, क्या इसका रिश्ता एलन मस्क से है? नहीं, ये गैर एप्लीकेशन है, उनसे उसका कोई नाता नहीं है। ये बिल्कुल अलग डेवलपर ने बनाया है और अलग प्रोजेक्ट के लिए बनाया है। कुछ कुछ लोगों का ये कहना है कि इसे मास में यूज किया जाएगा जब वहां पे लाइफ बैठने लगेगी। फिलहाल के टाइम पे ये कॉइन इसलिए पॉपुलर हो रहा है क्योंकि लोगों का ये कहना है कि ये कॉइन बेटर देन डॉज कॉइन है, क्योंकि ये कॉइन ऐसे काम कर सकता है जो डॉज कॉइन नहीं कर सकता है। इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है उससे भी ज्यादा पावरफुल है, और ये काफी सारे जो है लायबल काम आराम से सॉल्व कर सकता है, इसीलिए इनके डेवलपर ज्यादा कॉन्फिडेंट है। हालांकि इनकी सोशल मीडिया में अच्छी खासी ग्रोथ हो चुकी है, ओवर 5,74,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं, तो इसका मतलब सीधी सी बात है होल्डर भी होंगे। होल्डर इनके हो गए हैं अराउंड 1,27,28,000 से ऊपर निकल चुके हैं, और शायद अब तक और ज्यादा निकल गए होंगे। एंड ओवर 15 एक्सचेंज से ज्यादा यहाँ लिस्ट भी हो चुका है ये कॉइन, और काफी सारे लोग इसे मीम कॉइन मानते हैं, बट इसके जो डेवलपर्स हैं उनका कहना है ये मीम कॉइन नहीं है, इसे प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया है, और प्रोजेक्ट जो समझ में नहीं आ रहा है, अभी मास में तो कदम नहीं रखा है। बाकी पर्सनली कोई अगर प्रोजेक्ट होंगे तो मुझे बता देना। लेकिन फिर भी इसकी गिनती टॉप 10 मीम्स कॉइन में होती है, और टॉप 10 में आना मतलब काफी बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि मीम कॉइन बहुत सारे उनमें ये टॉप 10 में आने लगा है। अब बेशक ये कॉइन एलन मस्क के कारण फेमस हुआ है, नाम में जुड़ाव है, डॉज भी है, एलन भी है और मस्क भी है, डॉज से एलन का रिश्ता है, रिश्ता मस्क से एलन का है, तो इस कारण भी ये कॉइन जो है थोड़ा सा हुआ है। टोटल ओवर 1 बिलियन का मार्केट ये कैप्चर कर चुका है, पार कर चुका है, और धीरे धीरे बढ़ भी रहा है, अच्छा खासा पंप दिखा भी रहा है, और ओवर 55% कॉइन की सप्लाई में आ भी चुके हैं, सर्कुलेट हो चुके हैं। तो इसीलिए ये कॉइन को क्या हम खरीद सकते हैं, क्या इसे खरीदना सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा, बात करते हैं इस बारे में। अब जो है इसे घोल मोल के घुमाकर इसे परखने की कोशिश करते हैं। देखिए, डेवलपर वर्क कर रहे हैं, पॉपुलैरिटी अच्छी गेन कर ली है, ब्लू टिक आ चुका है ट्विटर पे, और अच्छे खासे डेवलपर्स पे वर्क करने लगे। सेकेंडली इसके प्रोजेक्ट है, ये बोल रहे हैं मीम कॉइन नहीं, चलिए उसे साइड में रख देते हैं, लेकिन ये कॉइन के ऊपर वेल अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो जो भी कॉइन ज्यादा हाईलाइट होता है तो वो कभी भी पंप दिखा सकता है। लोगों का या फिर एक्सपर्ट्स का ये बोलना है, या फिर जितने भी फोरम्स और जो वेबसाइट्स हैं उनकी अगर बात करें, तो हर वेबसाइट जो है इसे कभी भी ये पंप बहुत बड़ा बुलिश दिखा सकती है, इसीलिए इसे कुछ मात्रा में खरीद लेना चाहिए। मैंने लास्ट वीडियो में इसमें बोला है कि अगर आपको लग रहा है कि कॉइन पॉपुलर है और कभी भी एकदम से ऊपर जाता है नीचे आता है, तो उस समय हमें छोटी सी मात्रा में जो हम वेस्ट कर सके उसमें इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, ताकि बाद में अफसोस ना हो, क्योंकि अफसोस काफी बड़े अमाउंट का होगा। काइंड ऑफ ऐसा बोल सकते हैं कि ये स्कूल का सबसे ज्यादा पॉपुलर लड़का धीरे धीरे बन रहा है। मुझे मेरे स्कूल में अराउंड 10 साल लग गए थे कि मैं स्कूल का लड़का हूं मैडम को पहचानने में। सेम इस जगह पे ये कॉइन काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ है उस स्कूल में, मतलब मीम कॉइन, मीम टोकन में। तो अगर मैं बोलूं ये कॉइन कभी भी बड़ा पंप दिखा सकता है, बिल्कुल हाँ। क्या मैं इसे खरीदने की सलाह दूंगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपका पैसा है, आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन खुद से भी कलेक्ट करनी पड़ती है। मैं सिर्फ सलाह दे सकता हूं, लेकिन ओवरऑल चीजें जो है मैंने आपको समझा दी है, तो मेरे हिसाब से ये सही है।
तो यहां पर हमने पूरी बात कर ली है। इसके अलावा अगर कोई अपडेट आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबा देना, यह सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट प्लान है जब आप मुझे सब्सक्राइब कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जस्ट लाइक पे बटन दबा दें, फ्री है, कोई पैसा नहीं लगेगा इसमें। और अगर आपके किसी गुस्सा दोस्त को ये वीडियो हेल्प कर सकता है तो शेयर कर दो इमीडिएटली। एंड आपको क्या लगता है आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना इस कॉइन के बारे में, या फिर जो कॉइन आप समझते हैं कि अच्छा खासा गेन कर सकता है उस कॉइन के बारे में, तो मैं उसे रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।